So in this topic, natural vegetation and wildlife, we have discussed till the difference between evergreen and natural. Okay. Okay. Natural vegetation ki meaning and what is the meaning of natural vegetation? Okay. What is its meaning and what are its various types? इसकी various types क्या हैं? Forest, grassland, shrubs. अब forest हमने start किया हुआ है. उस फॉरेस्ट में पहले हमने एवरग्रीन और डेसिडस का डिफरेंस किया. अब इसी एवरग्रीन और डेसिडस में माय वॉइस इज क्लियर बेटा, नाउ इट्स ओके. सो पहले हमने एवरग्रीन और डेसिडस का डिफरेंस किया. अब हम एवरग्रीन की आगे जो है टर्म्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, फिर ट्रॉपिकल डेसिडस, टेम्परेट डेसिडियस. किस एरियाज में ये फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, और वहां पे क्लाइमेट, रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, या फिर वहां पे हमें ट्रीज कौन से मिलते हैं या वाइल्ड लाइफ कैसे मिलती है. तो ब्रीफली हम ये इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये भी फॉरेस्ट की टाइप्स हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, उसके बाद मेडिटेरियन, कॉनिफरस, ठीक है. ये चार टाइप के फॉरेस्ट है. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ठीक है. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा चाहिए, ठीक है. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं. सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है. ये रीजन्स इक्वेटर के पास हैं, ठीक है. ये आपको क्लियर है कि हमारी अर्थ में यहाँ पे इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है. यहाँ पे फिर टेम्परेट रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, और जो ऊपर है वो क्या है, फ्रीजिड जोन्स, है ना. यहाँ पे क्या है ऊपर, फ्रीजिड जोन. ये ट्रॉपिकल हो गया, है ना, ये टेम्परेट हो गया, ये टेम्परेट रीजन हो गया, ये भी टेम्परेट, ये भी टेम्परेट, और ये वाली दोनों फ्रीजिड जोन, ठीक है. लेकिन अगर हमें, जैसे हमने फैक्टर, सबसे पहले हमने फैक्टर्स भी किए थे, मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वेजिटेशन. तो उन फैक्टर्स में हमने ये किया था कि हाइट से भी वेरी करती है वेजिटेशन. ये आप पिछले क्लासेस में कर चुके हो कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री जोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रीजिड जोन, ठीक है. ये अभी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये आप पिछले टॉपिक में कर चुके हो, क्योंकि ये हमारे पास नाम आ रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट. ये ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या है, जो ये आप पढ़ चुके हो, डिफरेंट जोन्स, ठीक है. लेकिन जो टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कई बार हमें हाइट पे जाने से भी मिलता है, ठीक है. जो टेम्परेचर टेम्परेट जोन में है, कई बार ट्रॉपिकल रीजन में हाइट पे वही टेम्परेचर मिलता है और वही वेजिटेशन भी हमें मिलती है, ठीक है. तो ये चीजें दोनों याद रखनी है. ट्रॉपिकल टेम्परेट टर्म्स क्लियर है आपको, ये जो अर्थ की जोन्स है उससे रिलेटेड है ये जो नाम है, ठीक है. अगर अब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, वो भी रेन फॉरेस्ट मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे क्या है, एरियाज हॉट है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज हॉट है, हैवी रेनफॉल है थ्रू आउट द सीजन, और इनका डिफरेंस हम पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ पे दे डोंट शेड देयर ट्रीज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एंड दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. तो दोनों पॉइंट्स वो तो इसमें रहेंगे ही. एवरग्रीन में देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन एंड दे डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. सो दिस इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. So why these trees are called evergreen? Because there is no dry season, they don't shed their leaves. ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो thick canopies है, मतलब trees आपस में इतने जुड़े होते हैं कि जो sunlight है वो भी ground तक नहीं पहुंचती, इतने ज्यादा thick forest है, ठीक है. और इस तरह के जो forest है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, near the equator and close to tropical areas. ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में नियर द इक्वेटर ये हमें मिलते हैं. उसके बाद जो यहाँ पे रेनफॉल है वो हैवी है, ठीक है,
और यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो कौन से मिलते हैं, हार्डवुड ट्रीज, ठीक है, कौन से ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, हार्डवुड ट्रीज, और उन हार्डवुड ट्रीज के नेम क्या है, रोजवुड, एबोनी, महागनी, ये कॉमन नेम है यहाँ पे ट्रीज के। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, पहले हमने एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन किया, अब हम ट्रॉपिकल डेसिडियस देख रहे हैं, ठीक है। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में ही है लेकिन डेसिडियस है, डेसिडियस मींस दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ठीक है, एंड दे फाउंड इन लार्ज पार्ट, और कहां पे हमें ये मिलते हैं, इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और इसके बाद एंड इन रीजन्स में क्या है, सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि दैट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, तो इसलिए डेसिडियस भी कहते हैं इनको, है ना। और यहाँ पे ट्रीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी हमें कौन से ट्रीज मिल रहे हैं, हार्डवुड ट्रीज, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें कौन से ट्रीज मिल रहे हैं, हार्डवुड ट्रीज, और यहाँ पे जो ट्रीज मिल रहे हैं उनके नेम क्या है, उनके नेम है साल, टीक, नीम एंड शीशम, ठीक है। तो हार्डवुड ट्रीज के नेम एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से थे, रोजवुड, एबोनी, महागनी, और यहाँ पे कौन से हैं, साल, टीक, नीम एंड शीशम। उसके बाद इनके यूजेस, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इनके यूजेस क्या क्या है, इनके यूजेस क्या है, मेकिंग फर्नीचर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, तो ये इनके यूजेस भी हैं। साथ साथ में हमें इन सबकी एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ के बारे में भी देखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, या आपको ये पूछा जा सकता है कि इनके राइट एंड नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट एंड नोट ऑन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस नाउ क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में, ठीक है, मतलब मिड लैटिट्यूड, वैसे तो टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, ये टेम्परेट रीजन है ना जो मिड में है, मिडल लैटिट्यूड, तो वो टेम्परेट रीजन होता है, तो टेम्परेट रीजन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलते हैं, और कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न वाले मार्जिन में मिलते हैं, डायरेक्शन मतलब ये ईस्टर्न साइड होगी, ये वेस्टर्न, है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्टर्न मार्जिन पे हमें कौन से ट्रीज मिलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन। और कंट्रीज जैसे कि यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, इन कंट्रीज में हमें ये वाले ईस्टर्न मार्जिन पे ये ट्रीज मिलते हैं। और कौन कौन से ट्रीज होते हैं यहाँ पे, हार्डवुड, सॉफ्टवुड दोनों, ठीक है, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों तरह के ट्रीज होते हैं। और फिर उन ट्रीज के नाम, नाम जैसे हमने हर एक के करने हैं, तो इसमें नाम कौन कौन से हैं, ओक, पाइन एक्सेट्रा, ठीक है, ये कर सकते हो आप। उसके बाद ये हो गए टेम्परेट एवरग्रीन, अब बात करते हैं टेम्परेट डेसिडियस। एवरग्रीन और डेसिडियस का जो मेन फीचर है ना, वो आपको कोई भी आ जाए एवरग्रीन डेसिडियस, वो सेम ही रहेगा, कि एवरग्रीन कौन से हैं, डेसिडियस कौन से, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, कि वो शेड देयर लीव्स एंड दे डोंट शेड देयर लीव्स, ठीक है, वो फीचर हर एक में आना ही आना है। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, ठीक है, और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन में, यहाँ पे हमें ये वाले मिलते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसके बाद ट्रीज के नेम कौन कौन से हैं, ओक, एश, ठीक है, बीच, और वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पे क्या मिलती है, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स, ये हमें वाइल्ड लाइफ मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गए, अब हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हो गए, डेसिडियस फॉरेस्ट भी हो गए, कहाँ पे किन एरियाज में मिलते हैं, ठीक है, और वहां की वाइल्ड लाइफ सब कुछ हमने ब्रीफली देख लिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। सो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या है, वो हमें मिलती है वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो हमने टेम्परेट की वो ईस्टर्न मार्जिन पे थी,
ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन पे, अगर हम वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन की बात करें कॉन्टिनेंट्स की वेस्ट और साउथ वेस्ट साइड में, तो हमें ये मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलती है, ठीक है। और कौन से मेनली जो हमें ये वेजिटेशन है वो कहाँ पे मिलती है, मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप अफ्रीका और एशिया के तीनों के साथ कॉन्टिनेंट्स के बीच में सेंटर में आता है मेडिटेरेनियन सी, तो वहां पे यूरोप एशिया और अफ्रीका उन एरियाज के अराउंड ये हमें वेजिटेशन मिलती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और इस तरह की वेजिटेशन एक और हमें मिलती है यूएसए में, कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी मिलती है, ठीक है, साउथ वेस्ट अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी हमें ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलती है। उसके बाद यहाँ की जो वेजिटेशन है वहां पे सिट्रस फ्रूट बहुत ग्रो होता है, ठीक है, कौन सा फ्रूट ग्रो होता है, सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। और यहाँ पे क्यों ये ग्रो होते हैं, यहाँ के लिए क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई समर्स होती हैं। समर कैसी होती है, ड्राई होती है, जो रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है, ठीक है, विंटर में भी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, माइल्ड रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिनकी वजह से यहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत ग्रो होता है, ठीक है। रेनफॉल की भी हम थोड़ी सी बात करें, जैसे टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में हैवी रेनफॉल है, ठीक है, टेम्परेट रीजन में मॉडरेट रेनफॉल है, और मेडिटेरेनियन रीजन में माइल्ड रेनफॉल है इन विंटर्स, ठीक है, ड्राई समर्स है और माइल्ड रेनी विंटर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन भी, वो भी मेनली हमने सिर्फ यहाँ पे सिट्रस फ्रूट ग्रो करने के लिए बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन को भी हमने रिमूव किया हुआ है इन एरियाज में, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में जो इसकी रह गई है कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स जो कि हाइट पे मिलते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में हमने क्या करना है, मेडिटेरेनियन कि ये जो वेजिटेशन है ये हमें कहाँ पे मिलती है, ठीक है, किन एरियाज में मिलती है, साउथ और वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे, ठीक है। उसमें साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आ गया, साउथ वेस्ट और साउथ अमेरिका आ गया, यूएसए आ गया, ठीक है, इन कंट्रीज में मिलती है। और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट ग्रो होता है, और सिट्रस फ्रूट क्यों ग्रो होता है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, और क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हैं, ड्राई समर्स हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स, ये चीजें हमने इसमें बतानी। उसके बाद आगे कॉनिफरस वेजिटेशन, अब कॉनिफरस फॉरेस्ट ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स में, और हायर लैटिट्यूड्स कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पे ये मिलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, टैगा, ठीक है, इसको टैगा भी कहा जाता है, सो अदर नेम इज टैगा आल्सो। एंड और टैगा का मीनिंग अगर पूछ लिया जाए वन मार्क्स में, तो इट्स मीनिंग इज अनटच्ड, कि इसका मीनिंग क्या होता है कि इसको अनटच्ड है, रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद दीज फॉरेस्ट आर सीन इन हायर लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स हो गए। और इसमें जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिमालयाज में सलीमा ट्री है, ठीक है, SALIMA सलीमा ट्रीज हैं जो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट में आते हैं, वो हमें मिलते हैं बहुत ज्यादा। और ये जो ट्रीज हैं, ठीक है, ये ट्रीज बहुत टॉल होते हैं और सॉफ्ट वुड होते हैं, एवरग्रीन, इसके हम यूजेस भी करेंगे, ठीक है। और इनके यूजेस क्या क्या हैं, ये भी बहुत यूजफुल होते हैं, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है ये भी बहुत यूजफुल हैं। इनके यूजेस क्या हैं, एक तो इनसे हमें क्या मिलती है, सॉफ्ट वुड, ठीक है, सॉफ्ट वुड मिल रही है हमें। और फिर सॉफ्ट वुड ट्रीज के नेम कि कौन कौन सी हमें सॉफ्ट वुड मिलती है, कौन कौन से ट्रीज हैं, जो चीर, पाइन, केदार, ठीक है, दीज आर सॉफ्ट वुड ट्रीज दैट वी फाइंड इन दीज कॉनिफरस रीजन्स, ठीक है। और जैसे कि हम हिमालयस की बात करें तो सॉफ्टवुड ट्रीज मिलती है, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज हैं। और जो इन ट्रीज की वुड है वो किसके लिए यूज होती है, वुड इज यूज फॉर मेकिंग पल्प, ठीक है, पल्प को बनाने के लिए यूज होती है। और फिर उस पल्प से क्या बनाया जाता है, उस पल्प से फिर ग्रो की जाती है
जैसे पेपर, पेपर बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है, देन इट इज फर्दर यूज फॉर मेकिंग पेपर. ठीक है, पल्प, फिर उसके बाद मेकिंग पेपर, उससे पेपर बनाया जाता है, पेपर के बाद फिर मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स, दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दीज सॉफ्टवुड, तो मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्स, ठीक है, तो ये डिफरेंट यूजेस आप इसके बता सकते हो, ठीक है, पैकिंग बॉक्स, ये सारे डिफरेंट यूजेस हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट के. तो इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज हमें यहाँ पे मिलती है. और यहाँ पे अगर कुछ कॉमन एनिमल्स की हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वो है सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, तो ये कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें इन फॉरेस्ट में मिलते. तो ये सारे हो गए हमारे फॉरेस्ट, जो कि हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि किस किस एरियाज में मिलते हैं और किस तरह की हमें वहां पे कौन कौन से ट्रीज, उनके नेम हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गया, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, तो ये सारे नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकी ग्रासलैंड की. मेन टाइप्स में फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, अब सेकंड कौन सी है, ग्रासलैंड्स. ठीक है, अब इन ग्रासलैंड्स में, ग्रासलैंड्स में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हैं. ठीक है, ग्रासलैंड्स में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है, दोनों ग्रासलैंड्स की हम बात करेंगे. अब फर्स्ट ग्रासलैंड जो है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलते हैं, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेटर, ईदर साइड ऑफ इक्वेटर, ठीक है, और ट्रॉपिकल एरियाज, मतलब इक्वेटर से ये स्टार्ट होके ये पूरे ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें मिलते हैं. ये ट्रॉपिकल रीजन है ना, ऊपर तो टेम्परेट रीजन हो गया, ठीक है, जैसे ये सारा ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर से लेके ट्रॉपिकल एरिया तक, ठीक है, तो वो हमें कौन से मिलते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल कैसी है, मॉडरेट टू लो, मॉडरेट भी हो सकती है किन्हीं एरियाज में, और कुछ एरियाज में यहाँ पे लो रेनफॉल है, ठीक है, मॉडरेट टू लो रेनफॉल है यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे जो ग्रास है वो स्मॉल ग्रास नहीं है, ग्रास इज वेरी टॉल, टॉल ग्रास है, अबाउट 3 to 4 meter एवरेज है, 3 to 4 meter हाई ग्रास होती है, ठीक है, टॉल ग्रास है. और इसका फिर एक एग्जाम्पल है जो अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है, इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सीजनल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रेनफॉल में जैसे जिस टाइम पे रेनफॉल होती है वहां पे ग्रास बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन जब ड्राई सीजन होता है, इन ड्राई सीजन देन दिस ग्रास इज ड्राइड अप. जैसे कि अफ्रीका की अगर यहाँ पे नाम लिखा गया है सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, तो वो भी सीजनल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है. बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द सीजनल ग्रासलैंड, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ सीजनल ग्रासलैंड. तो सीजनल ग्रासलैंड्स कौन से हैं, ये सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, बिकॉज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ग्रास ड्राइड अप, ठीक है, ग्रास ड्राई हो जाती है. और यहाँ पे हमें एनिमल्स कौन से मिलते हैं, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, ठीक है, लियोपर्ड्स, तो दीज आर द एनिमल्स विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ग्रासलैंड हो गया कौन सा, ट्रॉपिकल. अब ग्रासलैंड की हम बात करते हैं टेम्परेट. अब यहाँ पे भी फॉरेस्ट भी ट्रॉपिकल टेम्परेट थे, डेसिडियस भी ट्रॉपिकल टेम्परेट, अब ग्रासलैंड भी ट्रॉपिकल टेम्परेट, ठीक है. अब ट्रॉपिकल तो हमें क्लियर हो गया कि वहां पे हमने एक एग्जांपल कर लिया सवाना ग्रासलैंड को ऑफ अफ्रीका का, है ना, मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है. उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड हमें कहाँ पे मिलते हैं, टेम्परेट रीजन में, मिड लैटिट्यूडनल जोन में, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉर्नर में नहीं मिलते, बल्कि मिडल पार्ट में हमें मिलते हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड. और जो ग्रास यहाँ पे होती है वो शॉर्ट होती है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहां पे ग्रास कैसी होती है, 3 to 4 meter हाई, लेकिन यहाँ पे जो ग्रास हमें मिलती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है, और न्यूट्रिशियस भी होती है. उसके बाद यहाँ पे एनिमल्स हमें कौन से मिलते हैं, बुफेलोज है, बिजन्स, एंटीलॉप्स, ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, क्लियर. उसके बाद अब
लास्ट इसमें हमारा आता है फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है, देन कम्स द श्रब्स। हमने श्रब्स भी किए थे जब हमने स्टार्टिंग में थ्री टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की थी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स देख ली, फिर हमने ग्रासलैंड्स, और ग्रासलैंड्स के बाद अब लास्ट में है श्रब्स। तो श्रब्स में क्या है, जहां पर बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होती है, बहुत लो लेवल ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। सो उसमें श्रब्स में हम बात करेंगे इसमें थॉर्नी बुशेस, ठीक है, थॉर्नी बुशेस। और ये थॉर्नी बुशेस हमें कहाँ पे मिलती हैं? दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट, जो डेजर्ट रीजन होते हैं, जहां पे बहुत ही हम कह सकते हैं कि स्कैंटी, कभी हुई कभी नहीं हुई, ठीक है, बहुत लेस रेनफॉल, तो डेजर्ट लाइक, क्योंकि डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होती इसलिए वो डेजर्ट है ना। दीज आर फाउंड इन डेजर्ट रीजंस, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न वाली साइड, अगर इंडिया में भी देखे तो राजस्थान कौन सी साइड है, वेस्टर्न मार्जिन पे है ना, तो वेस्टर्न मार्जिन, वहां पे हमें क्या मिलेगी, ये थॉर्नी बुशेस। तो वेजिटेशन कवर बहुत कम होता है क्योंकि स्कैंटी रेट होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है, रेनफॉल कम है, स्कैंटी मतलब लो का मतलब होता है कि बहुत कम हो रही है, स्कैंटी का मतलब कि बिल्कुल ही कम हो रही है, ठीक है, मतलब लेस देन 5 to 10 centimeters, अगर हाईएस्ट की बात करें तो 200 to 250 centimeters, अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां से 200 to 250 centimeters रेनफॉल हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 to 20 centimeters सिर्फ रेनफॉल हो रही है, बहुत ही कम रेनफॉल हो रही है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गए थॉर्नी बुशेस के एरिया, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल कम है, वेस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं हमें कॉन्टिनेंट्स के, जैसे कि राजस्थान इंडिया में भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोलर रीजन में, ये हो गए डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस, ठीक है, एक हो गए ड्राई डेजर्ट, डेजर्ट एरियाज में मिलती है, ठीक है, एक हमने बात की हॉट डेजर्ट की, एक कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट है, ड्राई है, रेनफॉल नहीं है, और ये डेजर्ट एरिया भी दो तरह के हैं, एक हॉट हो गया, दूसरा कोल्ड, जैसे इंडिया में राजस्थान हॉट डेजर्ट है, इसी तरह लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख में भी बहुत ठंड है, वहां पे भी ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, और वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ये भी आप नेक्स्ट टॉपिक्स में करोगे डिटेल में, ग्रासलैंड्स भी हम करेंगे डिटेल में, और एक दो हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी करेंगे, ड्राई डेजर्ट, ये हम कुछ मेन मेन इसमें से डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, अभी हम सिर्फ ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। सो ड्राई डेजर्ट में कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड भी होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अब कोल्ड जहां पे है वहां एक्सट्रीम कोल्ड है, तो वेजिटेशन वहां पे बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ वहां पे हमें मॉसेस, लिचन्स, जैसे बहुत ग्रास जो है वो बिल्कुल साथ साथ जमीन के लगी होती है, मॉसेस, लिचन इस तरह की हमें वहां पे मिलती है, ये बहुत छोटे छोटे श्रब्स, जो बहुत छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, वैसी वेजिटेशन हमें वहां पे मिलती है, ठीक है, और वो भी जब बहुत थोड़ा सा कोई समर सनलाइट सनशाइन होती है, थोड़ा सा समर का टाइम होता है, तब वो हमें वहां पे मिलती है, और उस वेजिटेशन को क्या कहते हैं हम, टुंड्रा, ठीक है, जो कोल्ड एरियाज में होती है, जो कोल्ड एरियाज में वेजिटेशन है उसको हम क्या कहेंगे, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और जैसे यूरोप के जो पोलर एरियाज है वहां पे भी हमें इसी टाइप की वेजिटेशन मिलती है, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन इन कोल्ड एरियाज, ठीक है, कौन से एरियाज, कोल्ड एरियाज, ठीक है। सो अब इस वेजिटेशन में जो एनिमल्स होते हैं, अब एनिमल्स भी वेजिटेशन इस तरह के होते हैं कि वो अपने आप को ठंड से बचा के रख सके, अगर हम ये कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे एनिमल्स हैव थिक फर, थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ताकि वो अपने आप को वहां की कोल्ड क्लाइमेट से बचा के रख सके। और इसके बाद एनिमल्स के कुछ नेम्स हैं, जैसे कि सील हो गया, ठीक है, देन वाल्स, इसके बाद है वैलरस, मस्क ऑक्सन, ठीक है, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, तो ये एनिमल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो ये अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने इन सबकी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड एंड श्रब्स, ठीक है। सो एनी डाउट टिल नाउ, इन सबके हमने एरियाज देखने हैं कि कौन कौन से एरियाज में ये हमें वेजिटेशन मिलती है,
वहां पे हमें वाइल्ड लाइफ कौन सी मिलती है, वहां पे हमें ट्रीज कौन से मिलते हैं, और जो आपकी बुक में इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी में से ही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, आउटसाइड नहीं। ठीक है, जो आपकी बुक में इंफॉर्मेशन है आपने सिर्फ उसी को ही कंसंट्रेट करना है, उससे एक्सेट्रा नहीं करना। यस, एनी डाउट बेटा जो हमने अभी तक डिस्कस किया? मेन थ्री टाइप्स हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स। ठीक है, फॉरेस्ट में हमने एवरग्रीन, डेसिडियस, मेडिटेरेनियन, कॉनिफरस। उसके बाद एवरग्रीन में आ गए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन। डेसिडियस में ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट डेसिडियस। ठीक है, फिर ग्रासलैंड्स में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। और अगर हम श्रब्स की बात करते हैं तो वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? ड्राई डेजर्ट, हॉट और कोल्ड, थॉर्नी बुशेस मिलती हैं। ठीक है, और कोल्ड में हमें टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, डेजर्ट एरियाज में जैसे अभी हमने थॉर्नी बुशेस का किया, तो थॉर्नी बुशेस में टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में बताया गया है ना, कि थॉर्नी बुशेस में टुंड्रा वेजिटेशन हमने मेन आपकी बुक में बताया गया। तो टुंड्रा वेजिटेशन की हम बात करेंगे, वहां के एनिमल्स की। ठीक है, कोल्ड रीजन की एनिमल्स कौन से हैं वहां पे, वेजिटेशन कौन सी है वो हम बताएंगे। क्लियर? और कुछ ग्रासलैंड्स के नेम आपकी बुक में साइड्स में भी दिए गए हैं, आप वो भी, क्योंकि वन मार्क्स में आपको आ सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स में तो होंगे ही। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम अमेरिका में प्रेरी है ग्रासलैंड, अफ्रीका में वेल्ड है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे आपने एमसीक्यूज में करने हैं, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ब्राजील में भी है, वेनेजुएला में भी है, ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है, ब्राजील में कैंपोस है, वेनेजुएला में लियानोस है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन, ये नेम है आपने इनके भी करने हैं। क्लियर, एनी डाउट बेटा? सो इसके बाद हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है, व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन व्हिच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन? कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वेजिटेशन हमारी डिपेंड करती है? हाँ जी अर्शिया। यस बेटा। यस मैम, देयर वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लैंड, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। यस, ठीक है, तो वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे, क्लाइमेट पे, स्लोप, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किया। यहाँ पे टू फैक्टर्स पूछे हैं, तो मेनली जो टू फैक्टर्स हैं वो क्या है? क्लाइमेट और हाइट। क्लाइमेट में ही आगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल आ जाता है ना, और हाइट पे डिपेंड करते हैं कि किस हाइट पे वो हमें वेजिटेशन मिल रही है। सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और अगर यही आपको थ्री मार्क्स में आ जाता तो उनको आप और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज, हाँ जी दृष्टि, the three broad categories of natural vegetation are forest, shrubs and grassland. ठीक है, जो हमने main की है forest, grassland and shrubs. So mainly these are the three categories of natural vegetation. उसके बाद two hardwood trees they found in tropical evergreen forest. tropical evergreen forest में hardwood trees हमें कौन से मिलते हैं, उनके नेम मेनली एमसीक्यूज में भी हो सकते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस। हाँ जी खुशी। यस मैम, टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर रोजवुड एंड महागनी। ठीक है, आपने दो नेम बताने हैं, रोजवुड, एबोनी, महागनी, कोई भी बता सकते। सो नेक्स्ट इज द, इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड? वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में, मीन्स कौन कौन से कंट्रीज में या कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दीज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। हाँ जी गुनीत। लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो आपकी बुक में यही दिया हुआ है कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, दीज थ्री पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड।
और ये चीज याद रखनी है कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखोगे, सेंटेंसेस में आंसर, अगर आप पॉइंट्स लिख भी रहे हो तो लेटर देन यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंसेस. सिर्फ आपने नेम लिख दिए दैट इज नॉट सफिशियंट, देन यू हैव टू राइट दीज नेम्स इन अ सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस में लिखने. उसके बाद इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन सिट्रस फ्रूट इज कल्टिवेटेड, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन थी जिसमें सिट्रस फ्रूट हम ग्रो कर सकते हैं? यस, एनीवन एल्स आल्सो रेज योर हैंड बेटा. हां जी नाम्या, यस नाम्या, ओके अर्शिया. Citrus fruits are cultivated in hot dry summers and mild rainy winters. ठीक है, so these citrus fruit is cultivated in dry season. ठीक है, dry summer होती है वहां पे and mild rainy winters. ठीक है, तो उसके बाद next question answer है वो हम discuss करेंगे. आप इनको read out करके रखना, find out करके रखना. ठीक है, और जो next topic है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, वो भी हम साथ में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे.